जीआई स्टील है अंदर में, तो हम लोगों के पास जो वो छोटा वाला, ये इसका जो अंदर में ये जो होल है ये 220 mm का होल है, ठीक है, 195। हाँ ठीक है, 200 mm का होल है इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो एल्युमिनियम, इसका जितना भी स्टन है वो सारे एल्युमिनियम स्टन को काट करके सबसे पहले क्या करते हैं, स्टील रॉड निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है, इसको अंदर डालते हैं पहले पूरे कंडक्टर में, और अंदर डालने के बाद इस स्टील रॉड को यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये छोटा यहाँ जो है, ठीक है, जो तेरा स्टन जो है वो कहा है, मार्कर है पास में, ये जो स्टन है इस स्टन में इसको पोर करते हैं। ओके, ठीक है, पोर करने के बाद इसको क्लिंप करते हैं, ये जाम हो जाता है, और इसके बाद इसको जो अंदर डालते हैं इसको फिर इसमें ऐसे बैठाते हैं ऐसे। ओके, और फिर ये इसके ऊपर पे कंप्लीट चला जाता है, इसके ऊपर पे, ठीक है, उसके बाद इसको भी क्लिंप करते हैं ताकि ये निकलने ना पाए, और ये हमारा ये डेड एंड तैयार हो जाता है। पकड़ो, उसके बाद ये जो है, ये जो होल है इसमें हम लोग बोल्टिंग करते हैं जम्फरिंग का, यह देने का मकसद ये है कि जम्फरिंग से इसको हम जम्फरिंग करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, यही है हमारा प्रोसेस। आते हैं इसके आगे, ये वाला उठा बाबू, ये हार्डवेयर जो आता है हमारा इसमें आता है, बेटर इसके आगे इसमें लग जाता है, इसको थोड़ा सा उठा, खड़ा कर दो इसको, आइए माटो जी, ये इसमें इसको खोलो, ये यहाँ पे आके फिट हो जाता है, और हमारा ये डिस इंसुलेटर, ये जो है हमारा पॉलीमर इंसुलेटर, हाँ ये पॉलीमर, ये हमारा फिट हो, ये हमारा चला जाता है या तो गैंट्री में या तो टावर में, क्लियर क्लियर। लो यहाँ पिन है, यही है इसका प्रोसेस, और यहाँ से आप उसे स्टिंग कर लेते हैं जहाँ आपको करना है, तो बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना एमएम काटते हैं सर? 225 के लिए, वो थोड़ा सा टॉलरेंस रखते हैं हम लोग, ये एक टॉलरेंस रखते हैं, 75 mm का, 50 mm का, ऐसा नहीं है, ला देते उसको, ये वाला ला नहीं आओ, ये थिन हो जाता है ना, ये इसके साइज में इसको भी आ जाता है स्लीव लगाने से, क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा ये, तो इसके साथ ये पूरा पैकअप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ओके, थोड़ा क्लिप भी क्लिम करने के बाद जो है इसको ऊपर से ऐसे रख देते हैं, क्लिम करने के बाद ऐसे रखते हैं, उसके बाद ये, अच्छा इसको कैसे रखने के बाद कंप्रेस करते हो? यहाँ से जो भी आपका लेंथ रहेगा उससे थोड़ा सा करके स्लीव लगा दिए, स्लीव लगाते हैं इसके लिए, किसी तरह के प्रसार बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा ना, हाँ हाँ, इसके लिए थोड़ा गेप छोड़ते हैं, ओके, नहीं तो ये इसमें लोड दे देगा। सही बोल रहे हैं, नहीं हाँ सही, इसका लोड दे देगा, करेक्ट, ठीक। कंप्रेशन मशीन, क्लिंपिंग मशीन, तो पहले डाई डाल के उसको जो स्टील वाला जो कंडक्टर उसको डाल देते हैं, स्टील जहाँ से फंसा के रखे थे, ओके, ये उसका डाया है, बस
टाइट होना चाहिए इसमें ना, नहीं तो फिर क्लिंप गलत हो जाएगा। सर उसी के अनुसार इसको लगाना पड़ता है, बॉटम टॉप इसको गेट लगाना पड़ता है, ये बॉटम कैरिया होती है। ओके बॉटम पकड़ने के लिए थोड़ा आगे करके फिर से ट्रिम करेंगे। ठीक है ठीक है, तो फिर बैठाइए, कंप्रेस करो। अपना जो इंडिया का जो है ना ये जेब्रा जो बोलता है ये पैंथर कटाया है, ठीक है सर, इसलिए थोड़ा इसको पूरा प्रेस नहीं कर पाता, इसलिए दे रहे हैं अच्छी अलग से सपोर्ट है ना, थोड़ा और प्रेस इसको चाहिए। ये टायर का जो साइज है ना वो 50 mm चाहिए, ये थिकनेस तो 75 mm के या 80 mm के लगभग चला इसको। ओके इसलिए थोड़ा प्रेस नहीं कर पाता, ये छोटा रहता है 50 mm। फाइनली स्टील का जब हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर जैसे हम देखा स्लू चढ़ाने के बाद उसको डाल देंगे और फिर से उसको कंप्रेस करने के बाद ये हैडली टाइटली कंडक्टर को होल्ड कर लेगा। तो ये वाला पोर्शन स्टील को होल्ड करेगा और ये कंडक्टर को जम्पर, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी जाएगी डायरेक्ट लूपिंग के लिए, तो कंडक्टर एल्यूमिनियम कंडक्टर यहाँ रहेगा और ये स्टील कंडक्टर जो होगा वो आपके हमने हार्डवेयर साथ कनेक्शन होगा जो हमने दिखाया है। ठीक है, वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।